तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इन्फ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट जम्मू एंड कश्मीर के तरफ से आ रही है, जहां पर बनिहाल कजीगुंड टनल को कुछ ही हफ्तों में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिससे बनिहाल जो जम्मू में है एंड कजीगुंड जो कश्मीर के सदर्न पार्ट में है उससे 16 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी दोनों के बीच में। बनिहाल कजीगुंड टनल डबल ट्यूब टनल है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में। बनिहाल कजीगुंड टनल 2100 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। टनल की लेंथ टोटल 8.5 किलोमीटर है। जून 2011 में टनल का वर्क स्टार्ट हुआ था जो अब कंप्लीट होने वाला है। यूजुअली टनल का वर्क कंप्लीट होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो टनल बोरिंग मशीन होता है वो एक दिन में लिमिटेड ही बोरिंग कर पाता है। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन का वर्क एंड लाइट्स का प्रोविजन, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, ये सबको इंस्टॉल करने में टाइम लग जाता है। दोस्तों अगले अपडेट गुजरात से आ रही, जहां पर गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए फोर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 3979 स्मॉल स्केल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें 2500 मेगावाट का सोलर जनरेशन किया जाएगा और 10,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट हैदराबाद से आ रही है, जहाँ पर हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के DPR वर्क के लिए 20 बिडर्स ने बिड किए हैं, जिसका लेंथ 182 किलोमीटर है जो नॉर्दर्न पार्ट का हाफ है। टोटल रीजनल रिंग रोड का लेंथ 340 किलोमीटर होगा, जिसे टू पार्ट्स में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। फेज वन में 17,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से आ रही है, जहां पर KMRL ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिससे वाटर मेट्रो पैसेंजर फेरी सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से आ रही है, जहां पर 2030 तक इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। इंडियन रेलवे अपना ऑल ट्रैक को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगा 2030 तक। दोस्तों अगली अपडेट बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल कर लिया है, जहां पर 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान 22 लाख यूनिट को सेव किया गया है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इन्फ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इन्फ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।